राजस्थान की राजनीति नित नया अलग से चैप्टर ऑन कर रही है। इसमें जैसे जैसे राजकुमार रूत, रविंद्र सिंह भाटी, हरीश चौधरी जैसे नेता अलग अलग सियासी चैप्टर खोल रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स को देखकर लग रहा है हनुमान बेनीवाल को डर सता रहा है, उनको भी एक ऐसा डर जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए जानने के लिए कि कौन सा ऐसा डर है जो हनुमान बेनीवाल को सता रहा है, जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसारी जी। वरुण सर, जिस तरीके से अगर हम राजस्थान के राजनीति के सिनेरियो को देखते हैं तो यहाँ पर हर नेता अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए कुछ नया कर रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी भी एक उभरता हुआ सितारा बने, फिर चाहे से उन्होंने सोशल मीडिया का तमाम तरीके से यूज किया अच्छे से और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों के, युवाओं के दिलों में बस गए हैं अलग अलग तरीके के स्टंट करके। फिर चाहे से वो अपने शिव विधानसभा के बच्चों को जयपुर लेकर आना हो घुमाने के लिए, या फिर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजना हो अपने खर्चे से। फिर हम बात करते हैं राजकुमार रूत की, वो भी आदिवासियों को लेकर इतना सजग हो गए हैं, उनके अधिकारों को लेकर वो लड़ पड़ते हैं सरकारों से, उनके अधिकारों को लेकर जब बात की जाती है समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, तो राजकुमार रूत भी एक अलग ही नया सितारा बनकर उभर रहे हैं। इसी बीच हनुमान बेनीवाल जो पिछले 30 सालों से राजस्थान की राजनीति में है, अब उनको कौन सा ऐसा डर सता रहा है ऐसे भाटी और रोत सरीखे नेताओं को देखकर? देखिए, तीसरे मोर्चे की गद्दी अभी तक खाली थी। तीसरे मोर्चे की गद्दी पर कुल मिला के एक ही, इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा शख्स था जिससे उम्मीद आस थी कि ये ही तीसरे मोर्चे की गद्दी का राज करेंगे और बीजेपी कांग्रेस को भी दिक्कत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल नजर आते थे, उनसे ही दिक्कत होती थी, या फिर कभी कोई राजस्थान की राजनीति में बीजेपी कांग्रेस के अलावा गेम चेंजर की भूमिका निभाएगा उसमें भी केवल हनुमान बेनीवाल का नाम आता था। इसलिए हनुमान बेनीवाल काफी आश्वस्त होते थे कि यहाँ पर तो झंडे गढ़ जाएंगे, यहाँ पर तो हम कुछ बन जाएंगे, नई पार्टी भी बनाएंगे तो चल जाएगी और जाटों के अलावा किसानों, युवाओं सबके वोट आएंगे। इस तरह की सारी चीजें थी और उसलिए आरएलपी का कुंभा भी लगातार बढ़ता जा रहा था, राजस्थान के, भारत के बाहर से भी सपोर्ट आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब ये प्रतियोगिता तीसरे मोर्चे की एक नई आयाम ले चुकी है और इस प्रतियोगिता में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उससे भी ज्यादा कंपिटिटर्स आ चुके हैं। पार्टी के नाम पर देखें तो लोग कहते हैं कि अब बाप पार्टी भी बन सकती है तीसरा मोर्चा, विधायक तो उनके ज्यादा है, सांसद भी उनका जो है वो बन चुका है, तो अभी की स्थिति में तो आरएलपी से ज्यादा बेहतर स्थिति में वो है। अगर लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तो रविंद्र सिंह भाटी, विकास चौधरी, ये सब लोग हनुमान बेनीवाल को कम्पीट करने आते हैं, जबकि पहले केवल किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दो ऐसे नेता थे जिनकी एक आवाज में लाखों की भीड़ इकट्ठी हो सकती थी और कोई ऐसा नेता नहीं था। फिर सचिन पायलट आए, लेकिन उसके बाद अब ये जो नई पीढ़ी निकल कर आ रही है ये प्रतियोगिताओं का दौर इतना जबरदस्त चला रही है कि अब हनुमान बेनीवाल के पास विकल्प नहीं बचा जी। बहुत जबरदस्त प्रतियोगिता हो चुकी है। हनुमान बेनीवाल भी अब युवाओं को लाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह से छात्र चुनाव जो है वो वापस शुरू हो जाए, उसमें इतना इनका इंटरेस्ट इसीलिए है कि जो नई खेप निकलेगी उसको आरएलपी में ले पाए। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि वो अगर आदिवासी होगी तो वो तो नहीं आएगी, वो बाप पार्टी में चली जाएगी जी। और लोगों को अब ये भी नजर आने लग गया कि भले ही किसी पार्टी के साथ ना हो लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का करिश्मा अगर रविंद्र सिंह भाटी की तरह हो तो निर्दलीय होकर भी आप काफी झंडे गाड़ सकते हो। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या राजनीति करने के लिए लोकप्रियता ही एक ऐसा पैमाना है जिस पर खरा उतरना चाहिए? क्या काम की दृष्टि से अगर हम देखें, अगर काम की दृष्टि से देखें तो क्या हनुमान बेनीवाल उनको अभी भी पछाड़ नहीं रहे हैं?
इस दृष्टि से देखिए, अगर आप सबसे देखें। बड़ी बात यह है, लोकप्रियता की आपकी बनती ही इसलिए है क्योंकि काम की आशा आपसे होती है। लोकप्रियता आपकी बनती ही इसलिए है क्योंकि वो आप पुराने भ्रष्टाचार वाले माइंडसेट से नहीं होंगे, शायद ऐसा लोग सोचते हैं। ये अपेक्षाएं, ये उम्मीद ही काम करवाती है आपसे। हनुमान बेनीवाल ने जाहिर तौर पर खिवसर के लिए काफी काम करवाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो खिवसर से आगे कैसे ले जाएगा उनको, आपको ये समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, विकास, आप रविंद्र भाटी को देखिए, उनको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा जी। हनुमान बेनीवाल इसलिए इतना काम करा पाए क्योंकि केंद्र ने भी नागौर पे पूरी अपने आशीर्वाद रखा था, विधानसभा का भी बहुत सारा कोष उनके पास था, उन्होंने सब कुछ किया। रविंद्र सिंह भाटी को ना केंद्र सरकार गांठ रही है, ना बजट दे रही है, ना उनको राज्य सरकार बजट दे रही है, अपने पैसे से भी बहुत कुछ करते हैं वो। तो इस तरह की चीजें एक प्रतियोगिता क्रिएट कर रही है, और मुंह पे दिखे ना दिखे, सामने पता चले ना चले, लेकिन हनुमान बेनीवाल को अंदर ही अंदर इस प्रतियोगिता का डर जरूर सता रहा होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल आसानी से गठबंधन ना तो करते कर सकते हैं लोगों के साथ, ना ही लोग उनके साथ आसानी से गठबंधन करेंगे। गठबंधन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जहां आप इन तीनों शख्सियत की बात करते हैं तो इनके जो वैचारिक मतभेद है वो भी आपको समझने होंगे जाहिर तौर पर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी ऑलरेडी बाकी तमाम निर्दलियों के संपर्क में है, रविंद्र सिंह रविंद्र भाटी रोत को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक ऐसे मोड पे जा रहे हैं जहां वो और लोगों को साथ में लेना चाह रहे हैं। और यहाँ हनुमान बेनीवाल ना आम आदमी पार्टी के हो पाए, ना बीजेपी के हो पाए, ना आजाद समाज पार्टी के हो पाए, ना अब कांग्रेस के हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होकर रही है, और हनुमान बेनीवाल को अंदर ही अंदर सता रही है। आप भी कमेंट बॉक्स में, मैं अपनी जनता से भी बोलना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइए कि क्या ये सारे तर्क, ये सारी बातें ठीक है या नहीं। और हालांकि इन सब बातों को कहते हुए ये भी हम साफ कहेंगे कि जाट लीडर अभी भी हनुमान बेनीवाल से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की जो फैन फॉलोइंग है, जो उन पर विश्वास है, वो आज का नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस विश्वास को बनने में 30 सालों की मेहनत है, सड़कों पर किया गया वो संघर्ष शामिल है। और जिस तरीके से अभी आप हमारी जनता से पूछ रहे हैं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने वाली जनता ही इसमें कमेंट भी करने वाली है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से पार्लियामेंट में मुद्दे उठाए, उस तरह से उस साफगोई से मुद्दे उठाना भी मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद जो कॉम्पिटिशन आया है, देखिये कॉम्पिटिशन आने से कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचता है, और वो नुकसान का डर तब ज्यादा सताता है जब उन कंपटीशन के पीछे तो भाजपा कांग्रेस उतनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके पीछे जरूर पड़ेगी। आपको उनसे भी निकलना है, आपको इनसे भी आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ जो षड्यंत्र आपके खिलाफ हो रहे हैं, उम्मीदवार राम बेनीवाल को ले जाना, उसके कारण पूरी कार्यकारिणी को भंग करना, उन षड्यंत्रों से भी पार पानी है। ये सारी चीजें मिलाकर हनुमान बेनीवाल की आप स्पीचेस भी सुनिएगा, कभी कभी उनका दुख भी झलक जाता है, वो अकेले भी पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब देखना ये होगा कि वो आगे क्या स्टेप लड़ते हैं। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए एक लाइन आखिर में जरूर कहना चाहूंगी कि संघर्ष के सामने ना बेनीवाल का सिर कभी झुका है और ना झुकेगा। ये विश्वास आप उनके चेहरे पर भी देखेंगे, उनके फॉलोअर्स के मन पर भी देखेंगे, और शायद इस वीडियो के ऑनर होने के बाद हमारी जनता में भी आप देखेंगे। देखिए संघर्ष जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा करते हैं हनुमान बेनीवाल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को पटकनी देना अभी तक उनका एक मोटिव था जिसपे वो आगे बढ़ रहे थे। अब उस पटकनी को देने के साथ साथ इस प्रतियोगिता से भी निपटना, और उसके साथ साथ अपनी नई कार्यकारिणी भी खड़ी करना, खिवसर के अलावा दूसरी जगह ढूंढना, ऐसे कई और चुनौतियां उनके सामने हैं जिसको उनको एडहर करना है, और फिर कहीं जाकर जाट सीएम बनेगा राजस्थान का, उस सपने को वो पूरा कर पाएंगे और फिर आगे बढ़ पाएंगे। जी, अब देखना है, दिलचस्प होगा कि इस तीसरे मोर्चे के कॉम्पिटिशन में हनुमान बेनीवाल किस तरीके से अपना तैयारी को करते हैं, किस तरीके से अव्वल आते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि कंपटीशन भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ
उभरता हुआ सितारा रविंद्र सिंह भाटी हैं और दूसरी तरफ है राजकुमार रोथ, और इनको कंपटीशन देना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं रहेगी। लेकिन होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त जरूर बता देगा आपको, और इसी के साथ साथ हम भी आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आप जरूर बता दीजिए इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, क्या है सोचना आपका, सब कुछ लिख डालिएगा कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का, या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर, तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिका इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।